सो गाइस, इफ़ आपने पार्ट वन एंड टू देखा है सो आपको तो पता ही होगा कि पिछले पार्ट में हमने भगवान कृष्ण जी एंड उनके भक्त की कलरिंग कंप्लीट कर ली थी। एंड इस पार्ट में हम आगे की कलरिंग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग बिल्कुल ऐसी ही बने सो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने शूज़ में ब्राउन कलर का यूज़ किया है, फिर यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड येलो ऑकर कलर का यूज़ किया है, फिर मैंने उसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने लाइट ग्रीन कलर का यूज़ करके गार्डन में कलर कर दिया है, फिर मैंने उसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने येलो ऑकर कलर का यूज़ किया है, फिर मैंने उसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड करके डार्क एरियाज में मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया है, फिर यहाँ पर भी मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने फ्लैश टिंट येलो ऑकर एंड ब्राउन कलर का यूज़ किया है, फिर मैंने उसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड करके डार्क एरियाज में मैंने रेड कलर का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर भगवान कृष्ण जी के पीछे सर्कल ड्रॉ करने के लिए येलो कलर का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रीज़ में येलो, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया है। सो लीजिए गाइस, आपकी ड्राइंग रेडी हो गई। आपको मेरी ये वाली ड्राइंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।